दोस्तों आदाब, तुसी मेरा सिद्धनाथ जोगियां ते लैक्चर सुनिया। बहुत सारे दोस्तों के सवाल भी सामने आए और मैं उन्हू जिस तरीके थोड़े नाल सांझा करना चाहता सा कि कोई ये नहीं कि उन्होंने कैटेगराइज करके या उन्हों इतिहास दे परस्पेक्टिव तो मैं फोक दे परस्पेक्टिव तो किस्सा काल दे परस्पेक्टिव तो साढ़े जन जीवन दे परस्पेक्टिव तो पंजाब दे लोगां च किवें बसे हुए ने उहदे तो कुछ गल्लां करनियां चाहुंदा सां। पर उन्हां गल्लां तो बाद बहुत सारे दोस्तां ने, बहुत सारे विद्वान लोगां ने जां बहुत सारे खोजार्थियां ने कुछ सवाल मेरे सामने पैदा किए जिहड़े तौहीद जी राही मेरे तक पहुंचे। इस हिस्टोरियंस क्लब जिहड़ा लालपुर जंग हिस्टोरियन क्लब है उन्होंने दोस्तों के जरिए तो उन्होंने कहा कि कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ इस तरीके दुछ गलतियां जान जिदे एक तस्वीर जी है नाथा की सिद्धा की साढ़े सामने मुकम्मल हो सके जिद तो गांह फरदर कोई जो रिसर्च करना चाहता है। हालांकि मेरे वर्गे बंदियां दा क्रिएटिव आदमियों का काम नहीं है पर मेरे वो दोस्त ने मैं प्यार करते हैं मेरे तो तवक्को करते हैं तो मैं जिन्हें योगा भी हाँ तुम कुछ बिल्कुल उस डिसिपलिन कुछ गल् साझिया करनिया चाहता हाँ जिद तहत मैं कह सकता कि जिमें जे गल करा तो ये बद्रयान की सहज साधना के नाल नाथ परंपरा जी है वो शुरू होंदी है फिर वादी बोलती है। मछंद्रनाथ और गोरखनाथ दो वड्डे अवधूत ने वड्डे नाथ ने जिहड़े जिहड़े फिर इस संप्रदाय का मुढ़ बनते ने और फिर उन्होंने बाणी उन्होंने चिंतन उन्होंने रहत मर्यादा वो किवें इंगला पिंगला नाड़ी साधना अनहद नाद दे उत्ते जोर दिंदे ने और जिस तरीके का उन्हों का चिंतन है और जिस तरीके उन्हों की प्रवृत्ति है और किस तरीके जिहड़ा है खट चक्कर सुरत योग अनहद नाद नीति आचार संयम और शिव शक्ति इन्हां सारियां चीजां दे विच जिस तरीके विश्वास रखते ने सदाचारक जीवन जीते ने जात पात का खंडन करते ने पाखंडा का खंडन करते ने और सारा जिहड़ा जो जो चरित्र की मजबूती है खास तौर उत्ते करैक्टर की मजबूती दैट्स वाई कि असीं देखते हैं कि साडे समाज के नाथां की इन्नी ज्यादा मान्यता है इन्नी ज्यादा शिद्दत दे नाल साडे गृहस्थ जीवन दे विच उन्हां दी एक्सेप्टेंस है सेलिब्रेशन है उन्हां दी पूजा है उन्हां दा रुतबा है जो सारे दा सारा जिहड़ा वो साडे सामने असीं देखदे हां उस सारी परंपरा दे विचों उस सारी ट्रेडिशन दे विचों और वो योग ना योग साधना दे उत्ते किस तरीके दे नाल हठ योग दी किस तरीके दे नाल गल करते हैं बहुत सारी पोइट्री किस तरीके आती है बहुत सारा साढ़े को दर्शन सांख्य दर्शन बहुत दर्शन उन्होंने थ्रू साढ़े तक किस तरीके पहुँचता है बहुत सारा आयुर्वेद उन्होंने राही साढ़े तक पहुँचता है और ऐसे ज्ञान शास्त्र साढ़े सामने खुल जाते हैं इन्हों इन्हों सारे नाथ परंपरा के और जिमें कहा कि मछंद्रनाथ गोरखनाथ चौरंगी नाथ भरतरी हरि गोपी चंद चुनकर नाथ जलंधरी नाथ ये कुछ नाथ जिहड़े ने प्रमुख नाथ ने जिन्हां दी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है साडे इस सारे तुहाडे इधरले पंजाब तों लैके इधरले पंजाब तों पूरे भारत दे विच और मैं इत्थे सिर्फ नौवीं सदी तों बाद दे नाथां दी ही गल कर रहा हाँ और उन्हां दे हवाले दे नाल तुहानूं कुछ नाथां दीआं विशेष जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है उन्हां दा जिहड़ा पीरियड है उन्हां दी जिहड़ी बाणी है उन्हां दी जिहड़ियां रचनावां ने उहदे बारे भी गल करांगा। पर जिस तरीके दे नाल मैं अपने उस लैक्चर दे विच कुछ दत्तात्रेय वगैरा जगदेवकल दे वगैरा दीआं उदाहरणां दित्तियां सीगियां वो पौराणिक सिद्ध जां ईवन मैं जिहड़ी साडे
ਸਿੱਧ ਚਾਨੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਜੋਗ ਕੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏ ਤੌਹੀਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ